हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदर एफएफ। कैसे सब लोग? तो गाइज देखो, यहाँ पर एक नया इवेंट आया है मोको स्टोरेज, इसको देखते हैं क्या है। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारी गन की स्किन है, बहुत सारी रेयर स्किन है। अब इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा रेयर स्किन कौन सी। तो गाइज देखो, ये यूएमपी स्किन है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे एट्रीब्यूट इसके, डबल रेट ऑफ फायर और साथ में डैमेज भी। तो भाई ये इसकी एट्रीब्यूट जो है बहुत ही तगड़ा होता है। लेकिन गाइज आपको पता होगा, जो बंदे खेल रहे हैं, दिवाली पर ये स्किन जो है आई थी, फ्री में मिली थी, तो इसलिए अब ये रेयर नहीं रही है बिल्कुल भी। और गाइस साथ में ये MP5 की स्किन है, ये वेपन रॉयल के अंदर आई थी काफ़ी पहले, तो ये भी ज़्यादा रेयर नहीं है। और गाइस ये पैराफिल की स्किन है जो, ये भी आई थी ये वेपन रॉयल के अंदर, तो ये भी ज़्यादा रेयर नहीं है। अब देखो इसमें तीन स्किन जो है रेयर बची है, एक तो MAG-7, एक ग्रोजा और एक थॉमसन। तो गाइस अब देखो, अगर आपके पास ये जो, आपको देखो ये नहीं देखना कि कौन सी रेयर है या कौन सी रेयर नहीं है, आपको देखना है कि मेरे पास कौन सी स्किन है। गाइज अगर आपके पास UMP की एक भी स्किन नहीं है या डबल रेट ऑफ फायर वाली एक भी स्किन नहीं है, तो आप UMP की स्किन लेना गाइज, ठीक है। MP5 की एक भी स्किन नहीं है तो MP5 ले लेना, ठीक है गाइज। और पैराफिल की कोई भी स्किन नहीं है तो पैराफिल ले लेना। अब देखते हैं भाई, जिन बंदे के पास हर गन की स्किन है, बस उनको एक अच्छी स्किन चाहिए, उनके लिए कौन सी स्किन सबसे अच्छी हुई। तो गाइज देखो, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा भाई, या तो आप MAG-7 लेना, क्योंकि MAG-7 की कोई भी लेजेंड स्किन नहीं आई है अब तक फ्री में, या वेपन रॉयल में, या किसी ऐसे वैसे इवेंट में। बस डायमंड वाले इवेंट में तो आई है फ्री वाली स्किन, डायमंड वाले इवेंट में तो आई थी गाइज, फेडेड व्हील वगैरह में आ जाती है MAG-7 की स्किन, लेकिन अब तक किसी सस्ते इवेंट में नहीं आई है। तो इसलिए ये MAG-7 की स्किन देखो भाई, एक तो बहुत ही ज़्यादा OP लुक है इसका, एनिमेशन बहुत ही खतरनाक है, और साथ में एट्रीब्यूट भी ठीक ठाक है भाई, रेंज और आर्मर पेनिट्रेशन ठीक है, क्योंकि इस गन में रेट ऑफ फायर तो अच्छा खासा होता है और डैमेज भी ठीक ठाक होता है। तो इसलिए यहाँ पर रेंज इन्होंने दी है, आर्मर पेनिट्रेशन दी है, तो बहुत ही बढ़िया एट्रीब्यूट है इसके। साथ में भाई आप थॉमसन की स्किन देख सकते हो, थॉमसन की स्किन भी डायमंड वाले इवेंट में आई थी, महंगे वाले इवेंट में, तो ये स्किन भी ठीक ठाक रेयर भी है और अच्छी भी लगती है गाइज। और थॉमसन की स्किन अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि नॉर्मली थॉमसन की स्किन भी नहीं मिलती, टॉप अप पर मिलती है बस, और बहुत से बंदे टॉप अप नहीं करते गाइज, मैं भी नहीं करता हूँ, तो ये वाली स्किन आप ले सकते हो, बहुत अच्छी स्किन है गाइज, डैमेज और डबल रेंज एट्रीब्यूट भी इसके ठीक ठाक है। साथ में भाई ग्रोजा की स्किन अगर आपको अच्छी लगती है, लॉन्ग रेंज की अगर आपके पास कोई बढ़िया स्किन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं गाइज कि जो ग्रोजा है नंबर वन गन है लॉन्ग रेंज के लिए फिलहाल, उसका जो एट्रीब्यूट है फिलहाल सबसे बढ़िया लॉन्ग रेंज के लिए, सबसे गन मानी जाती है सबसे बढ़िया वो। तो गाइज यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट भी सेम है, डैमेज और डबल रेंज, मैगजीन माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज। रिलोड तो आप वैसे भी करते ही हो, हर दो दो गोली मारने के बाद बंदे रिलोड करते हैं, तो इसलिए मैगजीन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैगजीन का फ़र्क पड़ता है गाइस शॉर्ट रेंज में, जिस तरह MP40 और M10 इनमें फ़र्क पड़ता है शॉर्ट रेंज में, क्योंकि इनमें आपको गोली लगातार चलानी पड़ती है। तो गाइस यहाँ पर डैमेज और डबल रेंज वाली स्किन है ग्रोजा की, ये स्किन बहुत ही बढ़िया है भाई, अगर आप ये लेना चाहते हो लॉन्ग रेंज के लिए तो ये ले सकते हो। तो भाई कुल मिला के अब लास्ट में हमारा क्या कंक्लूजन निकला है, वो ये है कि गाइस मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया स्किन है शॉर्ट रेंज के लिए वो है MAG-7, और लॉन्ग रेंज के लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया स्किन है ग्रोजा। अब आपकी मर्जी, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया कौन सी स्किन ज़्यादा रेयर है, कौन सी स्किन ज़्यादा बढ़िया है, अब आप जो लेना चाहो ले सकते हो गाइस। मैं यहाँ से MAG-7 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स हैं, देखो गाइस मैं आपको बता दूँ कौन कौन से रिवॉर्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, वैसे तो ये सारे ही रिवॉर्ड्स आ चुके हैं गाइस। ये इमोट जो है ये आया था अभी कुछ दिन पहले फ्री फायर मैक्स वाले इवेंट में, ठीक है, और ये लूट क्रेट, नेम चेंज कार्ड, ये सारी चीज़ें आ चुकी है रेयर, तो इसमें से रेयर तो कुछ भी नहीं है। अब बस आपको वो लेना है जो आपके पास नहीं है। तो गाइस देखो, चलो मैं ये वाला बैग ले लेता हूँ, ये वाला बैग अभी कुछ दिन पहले ही फ्री फायर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, हालांकि एक दो बार ये आ चुका है इवेंट के अंदर, लेकिन फ्री वाले इवेंट के अंदर ये भी नहीं आया, ये डायमंड वाले इवेंट के अंदर ही आया है पहले भी, बाकी सारे रिवॉर्ड जो है फ्री वाले इवेंट के अंदर आ चुके हैं। तो इसलिए भाई देखा जाए तो ये बैग ही थोड़ा बहुत रेयर है इसके अंदर। चलो अब ये वाला बैग ले लेते हैं, और देखो गाइस यहाँ से इसमें सबसे पहला डायमंड स्पिन जो है 9 डायमंड्स का, तो चलो इसको मार के देखते हैं स्पिन। वैसे मेरे पास ज़्यादा डायमंड तो नहीं है, लेकिन एक स्पिन मार के देख लेता हूँ मैं गाइस, हो सकता है शायद आज मेरा लक चमक जाए। ओके पहले हम वो ट्रिक करते हैं लेजेंडरी वाली। अच्छा भाई ये आ गया पहले 100 MB का SMS, कोई बात नहीं। चलो भाई भाई यहाँ पे स्पिन मारते हैं हम एडम की ट्रिक से, इन दोनों आइटम पर बार बार टैप करके, और ये लगा 9 डायमंड्स का स्पिन, और भाई क्या निकलेगा, क्रेट क्रेट, अरे नहीं, अरे भाई साहब बैग निकल गया, यस ओफो भाई साहब, इसका मतलब कि ट्रिक काम करती है बिल्कुल भाई, गजब सुपर भाई, बहुत बढ़िया। वैसे मेरे पास इसका जो ब्लैक वाला वर्जन है, ओरिजिनल वाला जो ब्लैक कलर का ये बैट वाला बैग होता है, वो मेरे पास है, लेकिन भाई ये भी बढ़िया है पिंक वाला। बस MAG-7 की स्किन बची है, काश ये भी निकल जाए 99 के स्पिन में, देखता हूँ मार के भाई, लगता है आज तो लक सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया जा रहा है। और ये नहीं भाई, ये नहीं निकला यार, थोड़ा सा और आगे चल जाता तो निकल जाता। तो भाई पहला स्पिन आपने देखा 9 डायमंड्स का था, उसके बाद 99 का स्पिन लगा, उसके बाद 49 डायमंड का स्पिन है, और उसके बाद गाइस 99 का होगा, फिर 199, फिर 499। तो फ्रेंड्स अगर आपको दोनों रिवॉर्ड्स निकालने हैं, और दोनों रिवॉर्ड्स अगर आपके लास्ट स्पिन में निकलते हैं, मतलब लास्ट स्पिन तक निकलते हैं, तो गाइस आपके टोटल 874 डायमंड्स खर्च करने पड़ेगा आपको,
और गाइज अगर आपका एक स्पिन भी पहले निकल जाता है तो आपके 500 डायमंड बच जाएगा, क्योंकि लास्ट का स्पिन जो है 499 का होता है। लेकिन अगर आप इनमें से सिर्फ एक ही आइटम निकालना चाहते हो फिर भी आपके 499 डायमंड्स बच सकते हैं। तो गाइज ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऑल बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही।